हेलो मैजिकल माइंड, वेलकम टू एडवर्ड एक्ट डियर। आज जो है हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आगे कंज्यूमर की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। तो इसके जो ये लेक्चर है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी जो प्लेलिस्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के फुल लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है। प्लस मेरी मार्केट में बुक आने वाली है आपकी EBCL के पेपर की, CS की, राइट। तो वो जैसे ही आपको amazon.com या अदर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने कंज्यूमर की डेफिनेशन पे। डियर, आपको मालूम है यहाँ पे जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में जो है वो गिवन है। और यहाँ पे कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर मींस एनी पर्सन। पर्सन में यहाँ पे तीन चीजें इंक्लूड होंगी। पहली हम बात करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कंज्यूमर जो किसी भी गुड्स को क्या करता है, गुड्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे किसी भी गुड्स को क्या करता है, बाय करता है, और बाय करने के बदले में कुछ ना कुछ कंसीडरेशन देता है। यानी कि यहाँ पर हम गिफ्ट की बात नहीं करते हैं कि हम किसी पर्सन को अगर विदाउट कंसीडरेशन या कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो वो चीज यहाँ पर नहीं आएगी, कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो कंज्यूमर को सबसे पहले उस गुड्स को बाय करना जरूरी है। किस चीज के बदले में? कंसीडरेशन के बदले में। यानी कि आप जैसे कोई चीज खरीदने जाते हो तो आप उसके बदले में कुछ ना कुछ क्या करते हो? पेमेंट करते हो कैश में। तो वो जो कैश में पेमेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन डियर यहाँ पे क्या हो सकता है? तो आप डेफिनेशन देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि कंसीडरेशन पेड फॉर्म में हो सकता है, यानी कि आपने पेमेंट किस में की हो? कैश में की हो। या आपने क्रेडिट बेसिस पे किया है तो आपने कंसीडरेशन पे करने का क्या कर रखा है? प्रॉमिस कर रखा है। या आपने पार्टली पे किया हो, एक पार्ट आपने कैश में दे दिया और बाकी पार्ट का आपने पेमेंट का प्रॉमिस कर रखा है। या आपने पेमेंट को क्या कर रखा है? डिफर्ड कर रखा है, यानी कि आपने चीजों को किस में खरीदा है? गुड्स को इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, राइट। तो आप किस कैटेगरी में आते हो? कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हो। अब यहां पर एक और चीज लिखी है कि यूजर और बेनिफिशियरी ऑफ सच, यहां पे गुड्स होगा डियर, सच गुड्स विद द परमिशन ऑफ बायर। यानी कि अगर कोई चीज कोई और पर्सन बायर के अलावा यूज कर रहा है तो वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि बायर की परमिशन से यूज कर रहा है। डियर, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्कूटर खरीदते हो या आपके पापा कोई स्कूटर खरीदते हैं, ठीक है, और आपके पापा अगर स्कूटर खरीद रहे हैं और आप उनकी परमिशन से उस स्कूटर को यूज कर रहे हो तो आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। कंसीडरेशन किसने दिया है? आपके फादर ने दिया है। तो फादर क्या है? बायर है, और उनकी परमिशन से आप उस स्कूटर को यूज कर रहे हो। यानी कि उस स्कूटर के लिए यूजर और बेनिफिशियरी कौन हो? तुम हो। तो इसका मतलब तुम्हारे फादर भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएंगे और तुम भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आओगे। अब हम बात कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस। अगर मैं सर्विस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कोई भी सर्विस जो किसी कंसीडरेशन के तौर पे, कोई भी पर्सन जो किसी सर्विस को लेता है, ठीक है, कंसीडरेशन के बदले, यानी कि पैसे देकर रुपए का पेमेंट करके आप क्या ले रहे हो? सर्विस ले रहे हो। सेम फॉर्म पेड फॉर्म में हो सकता है, प्रॉमिस फॉर्म में हो सकता है, पार्टली पेड या पार्टली प्रॉमिस्ड हो सकता है, डिफर्ड हो सकता है, ठीक है। या मे बी आपके फादर सपोज आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, ठीक है, तो डॉक्टर को उसकी सर्विस का पेमेंट किसने किया? आपके फादर ने किया। लेकिन डॉक्टर इलाज किसका कर रहा है? आपका कर रहा है। तो उस सर्विस के यूजर और बेनिफिशियरी कौन है? आप हो, क्योंकि आप उनकी परमिशन से उस सर्विस को क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। तो आपके फादर भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे और आप भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आओगे, राइट।
लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन बनता है जो लॉ ने आपको इस डेफिनेशन में बताया हुआ है। ये एक्सेप्शन क्या कहता है? ये एक्सेप्शन ये बोलता है कि बट डज नॉट इंक्लूड एनी परचेज और अवेलमेंट ऑफ और कमर्शियल पर्पस। अगर आपने कोई सर्विस या गुड्स कमर्शियल पर्पस के तौर पे लिया हुआ है तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आओगे। जबकि कंपटीशन एक्ट में आप पढ़ोगे कि कमर्शियल पर्पस के लिए भी आप खरीदते हो तो भी आप कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हो। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर आप कोई गुड्स और सर्विस कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हो, ठीक है, तो आप कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आओगे। कमर्शियल पर्पस क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, ठीक है, और कोई कंपनी बल्क में लैपटॉप खरीद रही है अपने इम्प्लॉइज के लिए, तो वहां पे कंपनी का पर्पस क्या है उस गुड्स को खरीदने का? वहां पे कंपनी का पर्पस है उस गुड्स को खरीदने का कमर्शियल पर्पस। या सपोज कोई कंपनी है, वो जो ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रांसपोर्टर है उसकी सर्विस ले रही है अपनी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए, तो वहां पे भी कंपनी कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगी क्योंकि वो सर्विस किसके रिगार्डिंग ले रही है? कमर्शियल पर्पस के रिगार्डिंग ले रही है। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा, ये अभी मैं आपको बहुत सारे केसेस भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी कि हम कैसे समझें कि कोई चीज कमर्शियल पर्पस की है कि नहीं है। अभी आप देखोगे केसेस को पढ़ के कंफ्यूजन हो जाता है कि हम उसको कमर्शियल पर्पस का माने कि ना माने। तो यहाँ पे आपको देखना है, दो कंडीशन आपको देखनी है। जैसा कि अभी मैंने लैपटॉप का एग्जाम्पल दिया, तो लैपटॉप किसमें था? लैपटॉप गुड्स की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे लैपटॉप खरीदे यानी कि गुड्स इन लार्ज स्केल फॉर प्रॉफिट मोटिव। अब कंपनी इंप्लॉइज को लैपटॉप अपने मोटिव से काम करने के लिए क्या दे रही है, तो यहाँ पे कंपनी का पर्पस क्या होगा? कमर्शियल पर्पस। प्लस आप ये देखोगे कि जब भी कमर्शियल पर्पस की बात की जाएगी तो गुड्स परचेज का रिलेशनशिप किससे होगा? प्रॉफिट अर्निंग से होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि गुड्स खरीदा ही इसलिए जा रहा है कि उस गुड्स के यूज के कारण वो जो है प्रॉफिट कमा सके ज्यादा से ज्यादा। देन ये दो चीजें आपको ध्यान में देनी है, और अगर ये दो कंडीशन आपकी क्या है पूरी होती है तो इसका मतलब कि वहां पे पर्पस क्या है आपका? कमर्शियल पर्पस है। और अगर कमर्शियल पर्पस है तो जिस भी पर्सन ने वो पर्टिकुलर गुड्स ले रखा है या सर्विस ले रहा है वो आपके कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वही चीज लिखी है जो जैसे कि हमने कहा कि अगर कोई पर्सन कमर्शियल पर्पस के लिए कोई गुड्स या सर्विस जो है वो अवेल कर रहा है तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, और आप कह सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई भी गुड्स बाय कर रहा है या सर्विस अवेल कर रहा है जिसका एक्सक्लूसिवली केवल पर्पस ये है जीविका चलाना या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, तो वो आपकी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा, उसको आप कमर्शियल पर्पस नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट के बाहर कोई एक पर्सन है और वो एक फोटो स्टेट मशीन खरीद कर बैठता है कोर्ट के बाहर, ठीक है, और उससे अपनी फोटो स्टेट करके अपनी जीविका चला रहा है, लाइवलीहुड कर रहा है, या आप कह सकते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है, तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। आप उसको कमर्शियल पर्पस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कमर्शियल पर्पस में क्या लिखा है, लार्ज स्केल। तो यहाँ पे तो उसने जेरोक्स की एक ही मशीन खरीद रखी है, उस पे वो खुद ही काम कर रहा है, तो आप उसको भले ही वो बिजनेस चला रहा है, आपको हो गया कॉमर्स से रिलेटेड है बिजनेस, लेकिन इस केस में क्योंकि उसका जो मेन पर्पस है वो अपनी जीविका चलाना है, लाइवलीहुड जो है उसको अर्न करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो वहां पे इस केस में वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा, राइट ईयर। तो अब हम इसको केसेस के जरिए देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आए कि किस
किन चीजों को आप कमर्शियल पर्पस में डालेंगे और किन चीजों को आप कमर्शियल पर्पस से एक्सक्लूड करेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला केस हमने आपको क्या बताया था, जब हम अभी डेफिनेशन देख रहे थे तो हमने बात की थी यूजर ऑफ गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ बायर। बायर तो कंज्यूमर है ही है, अभी मैंने आपको स्कूटर वाला एग्जांपल दिया था, तो बायर तो कंज्यूमर है ही है, लेकिन अगर बायर के अप्रूवल से कोई और पर्सन उस सामान गुड्स या सर्विस को जो है यूज कर रहा है तो वो भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे आप दिनेश भगत वर्सेस बजाज ऑटो लिमिटेड का केस देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए केस में क्या लिखा है, केस में देखिए लिखा है कि मिस्टर ए जो है एक स्कूटर परचेज करते हैं, ठीक है, और मिस्टर ए ने जो स्कूटर परचेज किया है वो किसके पोजीशन में है, मिस्टर बी के पोजीशन में है। बी ने स्कूटर के रिगार्डिंग कुछ उनको प्रॉब्लम आई और उन्होंने कंप्लेन की, ठीक है, तो उन्होंने केस किसके ऊपर डाला, सेलर के ऊपर डाला। सेलर ने क्या एक्सक्यूज दिया, क्योंकि बी ने कंसीडरेशन पे नहीं किया है, बी जो है उस स्कूटर का बायर नहीं है, तो उसकी उन्होंने ये कहा कि वो कंज्यूमर नहीं होगा इस एक्ट के अंडर। बट जो दिल्ली स्टेट कमीशन है, ठीक है, उसने ये जजमेंट दिया, हेल्ड दैट, उसने क्या जजमेंट दिया, क्या वर्डिक्ट दिया, हेल्ड दैट बी अ कंप्लेनेंट वाज यूजिंग इट विद द अप्रूवल ऑफ ए। बी जो था वो स्कूटर ए के अप्रूवल से क्या कर रहा था, यूज कर रहा था, तो इसका मतलब जो बायर है और उसके अलावा जो मिस्टर बी हैं, ठीक है, वो दोनों ही इस एक्ट में कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि बायर तो आता ही आता है कंज्यूमर की कैटेगरी में, लेकिन अगर उसकी परमिशन से कोई उस स्कूटर को यूज कर रहा है, यूजर ऑफ गुड्स, या जो है बायर के अप्रूवल से अगर उस चीज को यूज कर रहा है, तो वो भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। ये केसेस आपके लिए डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में केसेस ही आते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कमर्शियल पर्पस का मतलब यहाँ पे क्या देखा जाए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने संजय कृष्णकांत और मैसर्स ग्रूरी कम्युनिकेशन एंड अदर्स का केस जो है आपके सामने है। और यहाँ पर क्या है कि एक लॉयर है, उस लॉयर ने एक कंप्यूटर क्या किया था, परचेज किया था कंप्यूटर एंड प्रिंटर अपने ऑफिस के पर्पस के लिए। जो प्रिंटर था उसने प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया और लॉयर ने जो है कंप्लेन लॉन्च की। इन दिस केस प्रिंटर हैज नॉट बीन परचेज्ड बाय द एडवोकेट फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल पर्पस में दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आप कैसे पता करोगे कि कमर्शियल पर्पस के लिए है कि कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है? तो कमर्शियल पर्पस के होने के लिए सबसे पहली बात यह होती है कि कोई भी चीज बाय की गई हो लार्ज स्केल पे, आपको ये देखना है कोई भी चीज बाय की गई हो लार्ज स्केल पे, ठीक है। और जो है दूसरी चीज ये है कि अर्निंग से, प्रॉफिट अर्निंग से उस चीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। तो यहाँ पे तो लॉयर की सर्विसेज हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रिंटर तो बस उसको एक क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एक छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रिंटर जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है एंड रीसेल के लिए नहीं, ठीक है, बल्कि केवल किस पर्पस के लिए लिया गया है, ऑफिस में यूज करने के पर्पस के लिए लिया गया है, एफिशिएंसी जो ऑफिस की है उसको इम्प्रूव करने के पर्पस से लिया गया है, इसलिए वो लॉयर क्या आएगा, कंज्यूमर एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर होगा और वो कंप्लेन डाल सकता है, राइट डियर। तो यहाँ पर ये चीज है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल आपको दिया गया है और इस एग्जाम्पल में क्लियर किया गया है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई पर्सन लाइवलीहुड यानी अपनी जीविका चलाने के लिए कोई सामान खरीद रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पर्सन बाइंग गुड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट,
वो किस कैटेगरी में आता है, कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मिस्टर ए हैं, वो स्मॉल टाइपिंग इंस्टीट्यूट जो है वो चलाते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए। ही परचेज्ड अ फोटोकॉपी मशीन कैनन एक्स फॉर ₹7200। इट प्रूव्ड डिफेक्टिव। ही सूड द सेलर who contended that A is not a consumer under the act as he purchased the photocopier for the commercial use. तो यहाँ पे National Commission का judgment क्या आया था? National Commission held that A was constructed as consumer under the act, क्योंकि A ने जो है self employment के लिए वो जो है typing machine जो है photocopy machine जो है वो उसने खरीदी थी। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन अपनी जीविका चलाने के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी चीज बाय करता है तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। राइट डियर, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लाइवलीहुड के बारे में और डिस्कशन करेंगे केस लॉ पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं भूपेंद्र जंग बहादुर गुना वर्सेस रीजनल मैनेजर एंड अदर्स के बीच का केस है। यहाँ पे क्या था, जो एक पर्सन था उसने एक ट्रैक्टर जो है वो बाय किया था, जो कि जिसका प्राइमरी पर्पस क्या था, प्राइमरी पर्पस था उस ट्रैक्टर को अपने खेत में यूज करना, अपनी जमीन पे यूज करना, और ड्यूरिंग द आइडल टाइम वो जो है उस ट्रैक्टर को लेट आउट कर देता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेशनल कमीशन जो है NCDRC ने क्या जजमेंट दिया कि अबव सिचुएशन वुड नॉट अमाउंट टू कमर्शियल पर्पस। ये सिचुएशन कमर्शियल पर्पस नहीं बताती है कि कमर्शियल यूज के लिए ट्रैक्टर का यूज हो रहा है। अब आप कहोगे कैसे डिसाइड किया कमीशन ने? डियर, जब भी कोई सामान खरीदा जाता है तो उस सामान का प्राइमरी पर्पस हम देखेंगे। यहाँ पे ट्रैक्टर खरीदने का प्राइमरी पर्पस उसको लेट आउट करना नहीं था, प्राइमरी पर्पस ये था कि वो अपनी जमीन में उस ट्रैक्टर को यूज करता था। लेकिन हाँ, कुछ घंटे बच जाते थे या खाली वो आइडल पड़ा रहता था तो उसमें वो उसको क्या कर देता था, हायर पे दे देता था, किराए पर दे देता था। तो हमेशा जब भी आप ये डिसाइड करेंगे कि कोई चीज कमर्शियल यूज के लिए है कि नहीं है, आप हमेशा किस चीज को देखेंगे, प्राइमरी पर्पस को देखेंगे। नेक्स्ट केस में हम बात करते हैं लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस PSG इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। यहां पे देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ पर्सन परचेज्ड अ मशीन टू ऑपरेट इट हिमसेल्फ फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। देखिए ये केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देगा कि कब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे और कब आप कमर्शियल पर्पस की बात करेंगे। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि सपोज अगर कोई पर्सन है और वो एक मशीन बाय कर रहा है और उस मशीन पे खुद ही काम कर रहा है और उस काम करने की वजह से उसकी जीविका चल रही है, उसकी लाइवलीहुड जो है वो अर्न हो रही है, ठीक है, तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस, दूसरी लाइन में इन्होंने क्या बोला, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, और उसने असिस्ट करने के लिए एक या एक से ज्यादा दो पर्सन जो है अपने आप को असिस्ट करने के लिए रख रखे हैं, हेल्प करने के लिए रख रखे हैं ताकि वो उसको मशीन ऑपरेट करने में हेल्प करें, तो भी वो किस कैटेगरी में आएगा, कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन मशीन बाय करता है और उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है, अपॉइंट कर देता है, अलग से एक स्टाफ अपॉइंट कर देता है, किस काम के लिए, जो एक्सक्लूसिवली उसी मशीन पर काम कर रहा है, तो उस पर्सन को आप क्या बोलेंगे, उस पर्सन मतलब कि जिस पर्सन ने ऐसी मशीन परचेज की है वो आपकी कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो डियर आपको बात समझ में आई, फिर से मैं ऐसे एग्जांपल को आपको समझाती हूँ। सपोज वही लेते हैं, अपना फोटो स्टेट मशीन वाला एग्जांपल लेते हैं।
कोर्ट के बाहर कोई पर्सन है, उसने एक फोटो स्टेट मशीन लगाई, उस पर वो खुद ही काम कर रहा है और अपनी अर्निंग कर रहा है, तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। उसने एक और फोटो स्टेट मशीन लगाई, ठीक है, अब उसके पास दो फोटो स्टेट मशीन हो गई, अभी भी वो जो है खुद काम कर रहा है, उसने हेल्पर एक अपने पास जो है रख लिया, ठीक है, तो भी वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने फोटो स्टेट मशीन लगा ली, एक या एक से ज्यादा मशीन लगा ली, और खुद वो किस पे बैठ रहा है, गल्ले पे बैठ रहा है, मतलब कि कैश का लेन देन जो है वो कर रहा है, लेकिन मशीन जो है उसने किसके थ्रू चलवा रहा है, एक अलग से पर्सन उसने अपॉइंट कर रखा है जो कि केवल मशीन चलाने के लिए रखा गया है, तो इस केस में बोला जाएगा कि वो उस मशीन का यूज कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहा है और वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं सर्विस की, तो यहां देखिए क्या लिखा है, सर्विस के रिगार्डिंग क्या लिखा है, पर्सन इवन अवेलिंग सर्विसेज इज ऑल्सो अ कंज्यूमर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपके फादर आपको डॉक्टर के दिखाने के लिए ले गए, डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले गए, ठीक है, आपके फादर उस डॉक्टर को फीस क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, और आप मरीज हो, आप पेशेंट हो, आप उस डॉक्टर की सर्विस क्या कर रहे हो, अवेल कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके फादर भी कंज्यूमर के डेफिनेशन में आएंगे और आप भी कंज्यूमर के डेफिनेशन में आओगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, ए हायर्स एन एडवोकेट टू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, ही प्रॉमिसेस टू पे फी टू द एडवोकेट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ सूट, ए इज अ कंज्यूमर ऑफ एडवोकेट अंडर द एक्ट। यहाँ पे सर्विस कौन ले रहा है, ए ले रहा है, एडवोकेट की सर्विस ले रहा है, इसलिए जो ए है वो आपके कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि जो सर्विस ले रहा है यानी कि जो पेमेंट कर रहा है वो तो आते ही आता है कंज्यूमर की कैटेगरी में। अब अभी मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में जब आप क्या थे, मरीज है, आप मरीज है, आप पेशेंट है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली बात क्या है, आप बेनिफिशियरी है उस सर्विस के, आखिर जो डॉक्टर सर्विस दे रहा है उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, तो जो पेमेंट करता है वो भी कंज्यूमर होता है, बार बार मैं ये बोल रही हूँ, और जो बेनिफिशियरी है वो भी क्या है, कंज्यूमर होता है। लास्ट क्लास लास्ट एग्जाम्पल में पेमेंट कौन कर रहा था, पेमेंट मिस्टर ए कर रहे थे लॉयर को, तो वो क्या थे, ऑब्वियस सी बात है वो कंज्यूमर है। अब यहाँ पे इस केस में किसकी बात की जा रही है, बेनिफिशियरी की, तो यहाँ पर स्प्रिंग मेदोस हॉस्पिटल वर्सेस हरजोत आलूवालिया का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था कि पेरेंट्स हु ब्रिंग द चाइल्ड टू हॉस्पिटल एंड द चाइल्ड बोथ आर कंज्यूमर्स, मतलब कि जो पेमेंट कर रहा है कंसिडरेशन का और जो बेनिफिशियरी है दोनों आपके कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं, राइट। नेक्स्ट में देखिए नरसम्मा वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया के केस में एक विडो थी, ठीक है, विडो थी और ऑब्वियस बात है जैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप देखते हैं बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसकी डेथ हो जाती है जिसके नाम पे वो पॉलिसी जो है करता है, तो यहां पर केस में जजमेंट क्या दिया गया, दैट द विडो बीइंग द बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस, मतलब कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका पैसा किसको मिलना है इन द केस ऑफ मिस हैपनिंग, वाइफ को मिलना है, तो सपोज अगर वाइफ क्या है, हस्बैंड की डेथ पे वाइफ को पैसा मिलना है, तो वाइफ क्या हुई, विडो हुई, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगी, कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इस केस में शी इज एंटाइटल्ड टू बी कंपनसेटेड फॉर द लॉस सफर्ड बाय हर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ एलआईसी, अगर एलआईसी की नेग्लिजेंस के कारण कोई भी लॉस होता है तो वो उसका कंपनसेशन मांग सकती है, क्योंकि वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या है, बेनिफिशियरी है, और बेनिफिशियरी होने के कारण वो किस कैटेगरी में आती है, कंज्यूमर की कैटेगरी में आती है। अब यहाँ पे हम कुछ और केसेस आपकी क्लैरिटी के लिए डिस्कस करेंगे कि कोई भी पर्सन कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, तो
तो यहाँ पे देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में मैंने अपनी बुक में काफी सारी सिचुएशन दी हुई है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला केस क्या देख रहा है, वेदर रेलवे पैसेंजर इज कंज्यूमर. आपका आंसर होना चाहिए यस, वो जो है वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा क्योंकि वो रेलवे की क्या ले रहा है, सर्विसेज ले रहा है, तो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा. दूसरा केस क्या है, वेदर सब्सक्राइबर ऑफ टेलीफोन आर कंज्यूमर, यस, क्योंकि आप अगर किसी टेलीफोन कंपनी का कोई भी नंबर आप यूज कर रहे हो, आप उसके सब्सक्राइबर हो, तो सब्सक्राइबर भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है. अब विडो ऑफ डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर इज कंज्यूमर, ये अभी हमने लास्ट केस में जो डिस्कस किया था उसकी बात कर रहे हैं. विडो यहाँ पे क्या है, बेनिफिशियरी है, ठीक है, उस पॉलिसी होल्डर की, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी किस कैटेगरी में आएगी, कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगी. फोर्थ केस में हम क्या देख रहे हैं, वेदर टेनेंट इज अ कंज्यूमर और नॉट व्हेन नो प्रोविजन रिगार्डिंग क्लीनिंग रिपेयरिंग एंड मेंटेन द बिल्डिंग. मतलब कि जो आपका रेंट एग्रीमेंट है, उस रेंट एग्रीमेंट में अगर कोई भी प्रोविजन क्लीनिंग रिपेयरिंग मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो जो टेनेंट है यानी जो किराएदार है वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आता है. इस बात को याद रखिएगा, वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा. फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला, अ बॉय इज रॉन्गली डायग्नोस्टिक वेदर फैमिली ऑफ द बॉय इज कंज्यूमर और नॉट, यस, फैमिली भी कंज्यूमर होगी और वो जो बॉय जो कि उस सर्विस का बेनिफिशियरी है वो भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा. सिक्स्थ केस में क्या बोल रहे हैं, अ कंपनी परचेजिंग 50 लैपटॉप्स फॉर इट्स ऑफिस प्रमाइसेस सम ऑफ विच आर सब्सिक्वेंटली फाउंड डिफेक्टिव. लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंपनी ने लार्ज स्केल पर लैपटॉप बाय किया था और यहाँ पर उसने अपने एम्प्लॉइज के लिए लैपटॉप बाय किया था, तो यहाँ पे कंपनी का पर्पस क्या हो गया, कमर्शियल पर्पस, और जो कमर्शियल पर्पस के लिए कोई गुड्स बाय करता है वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आता है. तो यहाँ पे आंसर होगा नो. सेवेंथ केस में देखो क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी परचेजिंग वॉटर कूलर फॉर इट्स फैक्ट्री प्रमाइसेस विच सब्सिक्वेंटली फाउंड डिफेक्टिव. अब यहाँ पे भी जो है गुड्स को बाय करने वाली कौन है, कंपनी है, और कंपनी क्या बाय कर रही है, वॉटर कूलर बाय कर रही है. अब वॉटर कूलर डियर आपको मालूम है, अगर मैं वॉटर कूलर की बात करूं तो किसी भी ऑफिस के प्रमाइसेस में अगर वॉटर कूलर या किसी फूड आइटम की हम बात करें, वो वहां के एम्प्लॉइज के लिए क्या है, एक तरीके से जरूरी है, ठीक है. तो यहाँ पे हम कंपनी का वाटर कूलर खरीदना ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे कंपनी का क्या है, कमर्शियल पर्पस है. ये वाटर कूलर उसने पहली बात लार्ज स्केल में नहीं खरीदा, बहुत सारे पीसेस नहीं खरीदे हैं, और अपने एक एम्प्लॉई की सुविधा के लिए खरीदा है, ठीक है. तो इसको आप कमर्शियल पर्पस नहीं बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कंपनी भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगी. नेक्स्ट केस में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन बुक अ होंडा कार थ्रू डीलर बिफोर डिलीवर ही इज कंज्यूमर और नॉट. ऑब्वियस सी बात है उस पर्सन ने एडवांस में कुछ पेमेंट किया होगा तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा. एक कंपनी है जो 4 एसी खरीद रही है अपने गेस्ट हाउस के लिए, ऑफिस प्रमाइसेस के लिए डियर यहाँ पे दिखेगा नहीं खरीदा गया है, ठीक है. तो यहाँ पे कंपनी का जो है एसी खरीदने का पर्पस कमर्शियल पर्पस नहीं माना जाएगा, ठीक है, इसलिए कंपनी जो है वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगी. टेंथ केस में देखिए, अ कंपनी परचेजिंग फूड फॉर इट्स एम्प्लॉइज, मैंने आपको बताया एम्प्लॉई की जो एम्प्लॉइज की नेसेसिटीज है उनको पूरा कर रही है, तो वहां पे कंपनी का कमर्शियल पर्पस नहीं कहलाएगा, इसलिए वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगी. अ नर्सिंग होम परचेजिंग सिटी स्कैन मशीन, अब यहाँ पे देखिए सिटी स्कैन मशीन है जो कि आपको मालूम है कि काफी महंगी आती है, भले ही एक पीस है, लार्ज स्केल कई सारी मशीन नहीं है, लेकिन एक ही मशीन का दाम क्या है, बहुत ज्यादा है. और वो मशीन जो है वो 5000 पेशेंट्स को क्या कर देती है, आप कह रहे हैं
यहाँ पे लिखा है एंड चार्जिंग रुपीज 5000 पर पेशेंट, हर एक पेशेंट से कितना चार्ज कर रहे हैं 5000। अब तुम खुद सोच के बताओ यहाँ पे सिटी स्कैन मशीन खरीदने का पर्पस कमर्शियल पर्पस है कि नहीं है। तो आप पाते हो हाँ, सिटी स्कैन मशीन खरीदने का यहाँ पे पर्पस क्या है, अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसको आप कमर्शियल पर्पस बोलोगे। और यहाँ पे जो नर्सिंग होम है वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। 12th केस में आप देखिए, अ पर्सन बाइंग वन मोटर व्हीकल एंड रनिंग इट एज टैक्सी एंड हिमसेल्फ एक्टिंग एज ड्राइवर। एक पर्सन है जो कार खरीद रहा है, वही ड्राइवर है, तो इसका मतलब वो अपनी लाइवलीहुड, जीविका चलाने के लिए उसने वो कार खरीदी है, तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। एक पर्सन है, उसने 40 मोटर व्हीकल्स खरीदे और उनको टैक्सी के तौर पे क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसने ड्राइवर वगैरह रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस क्या हो जाता है, लार्ज स्केल है और प्रॉफिट अर्निंग के लिए खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे कमर्शियल पर्पस आता है, यानी कि ये पर्सन कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक पर्सन है जो कि 20 टेलीफोन कनेक्शन ले रहा है फॉर हिज एसटीडी आईएसडी शॉप, subsequently some of connections not working, तो डियर यहाँ पे भी बल्क में है, ठीक है, और बल्क में खरीद रहा है, उसका पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस है, तो वो किसमें आएगा, कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस। 15 केस में देखिए, अ पर्सन हायरिंग द सर्विसेज ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर शिफ्टिंग हिज डोमेस्टिक आइटम। अब यहाँ पे क्या पर्सन अपनी कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा है सर्विसेज, नहीं, ठीक है, अपने कुछ भी सामान शिफ्ट करवा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जो डोमेस्टिक सामान है, तो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। एक कंपनी यहाँ पर 50 एसी खरीद रही है ऑफिस प्रेमाइसेस के लिए, तो यहाँ पे पर्पस क्या हो गया, कमर्शियल पर्पस हो गया, तो यहाँ पे कंपनी कंज्यूमर नहीं है। 17th केस में देखिए, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हायरिंग द सर्विसेज ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम नोएडा टू मुंबई। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सर्विसेज जो है हायर कर रही है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से, ताकि इसके जो मैन्युफैक्चर गुड्स है वो नोएडा से मुंबई जो है ट्रांसफर हो सके, तो यहाँ पे कंपनी का पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस, यानी कि वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगी। एक कंपनी है 50 एग्जॉस्ट फैन खरीद रही है फैक्ट्री प्रमाइसेस के लिए, लार्ज स्केल पे फैक्ट्री प्रमाइसेस के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रही है, तो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगी। 19th केस में देखिए, अ पर्सन परचेजिंग रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन। एक पर्सन है जो फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीद रहा है ₹10,000 का फॉर होम, तो ऑब्वियसली वो किसके पर किस कैटेगरी में आएंगे, कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे। अ पर्सन बाय फोटोकॉपी मशीन एंड इंगेज फ्यू पर्सन टू ऑपरेट इट, मशीन को ऑपरेट करने के लिए उसने फ्यू पर्सन इंगेज कर दिया, अभी हमने केस पढ़ा था, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है क्या माना जाएगा, वेदर ओनर इज कंज्यूमर और नॉट। अ पर्सन बाय फोटोकॉपी मशीन, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पर्सन का जो पर्पस है वो कमर्शियल पर्पस माना जाएगा। कमर्शियल पर्पस इसलिए माना जाएगा डियर, आपको मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर उसने अलग से उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए क्या है, अदर पर्सन जो है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे पर्पस क्या है फोटोकॉपी मशीन का, कमर्शियल पर्पस, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट। अब आगे हम देखते हैं बेनिफिशियरी ऑफ बैंक गारंटी। कोई भी बेनिफिशियरी है वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है, यहाँ पे आ गया। एक कंपनी है प्लांट एंड मशीनरी बाय कर रही है 50 करोड़ की, तो आपको समझ में आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी बाय करने का पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस है, तो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अलॉटीज ऑफ हाउस बाय हाउसिंग बोर्ड, अगर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा हाउस जो है वो अलॉट किए गए अलॉटी को, तो वो अलॉटी कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। एक पर्सन है, उसने ऑब्टेनिंग वाटर फ्रॉम अ गवर्नमेंट एजेंसी एंड पेइंग वाटर बिल फॉर द वाटर सप्लाई, स्पेशली गवर्नमेंट एजेंसी से पानी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट एजेंसी से पानी आ रहा है जिसके लिए वाटर बिल पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन, यहाँ पे आपने देखा वाटर बिल बोला गया है
और वाटर बिल का पेमेंट गवर्नमेंट एजेंसी को किया जा रहा है, इसलिए इसको कंज्यूमर बोला गया। लेकिन अगर कोई पर्सन केवल वाटर टैक्स पे कर रहा है और सर्विस ले रहा है तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखिए, अ चैरिटेबल ट्रस्ट हैज परचेज मशीनरी फॉर इट्स डायग्नोस्टिक सेंटर व्हेन ओनली 10% पेशेंट्स आर प्रोवाइडेड फ्री सर्विसेज, यानी कि 90% पेशेंट से ये क्या ले रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, मशीनरी का पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस है, और कमर्शियल पर्पस है मशीनरी का तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो आपके कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। पर्सन बाइंग गुड्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अनदर प्रोडक्ट, कोई पर्सन जो गुड्स बाय कर रहा है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अनदर प्रोडक्ट, यानी कि उसका रॉ मटेरियल बाय करने का पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस है, क्योंकि वो और कोई चीज बना रहा है तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहां पे कोई फीस चार्ज नहीं की जा सकती है, ठीक है, नहीं चार्ज की जाती है कंसल्टेशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, तो केवल एक रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो चार्ज करते हैं। तो क्या पेशेंट कंज्यूमर है, यहाँ पे डियर पेशेंट कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कंसल्टेशन के लिए कंसीडरेशन पे नहीं कर रहा है। और आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो इसलिए आप वो जो है हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वो आप फ्री ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा कोई एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते हो। अगर इस केस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओर से सर्विस में कोई कमी रहती है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत केस नहीं फाइल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने फ्री सर्विस ली है तो आप कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आओगे, क्योंकि आपने कंसिडरेशन पे नहीं किया है। हाँ, लेकिन अदर एक्ट्स है जिनके तहत आप यहाँ पर जो है केस फाइल कर सकते हो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी होती है। तो डियर आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन हर एक एस्पेक्ट से देखी। अगर आपको कोई डाउट होता है या दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू डियर।